ओके मैं आप लोगों को फाइनल लास्ट टाइम बता रहा हूँ कि इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन के थ्रू आप कैसे पता करें कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है। मैं सीधे से आपको एक पहले फंडा बता एक फार्मूला बता देता हूँ। फार्मूला ये है कि एम आर एस इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई यदि हो जाता है उस सिचुएशन को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिचुएशन बोलते हैं, या जहाँ पर भी ये फार्मूला हमें मिल जाए वो वाला बंडल जो है कंज्यूमर प्रेफर करेगा कि वो वाला बंडल बाई करे। ठीक, अब ये जो एम आर एस है ये कहाँ से आता है? ये आता है इंडिफरेंस कर्व जब हम बनाते हैं, तो जब हम इंडिफरेंस शेड्यूल बनाते हैं तो ये रेशियो है कि भाई कितना मतलब हम कितना सेक्रीफाइस करने को रेडी हैं, उस बात का रेशियो है। मतलब गेन करने एक गेन करने के लिए हम दूसरी कम्युनिटी को कितना सेक्रीफाइस करते हैं उसका रेशियो है, और ये प्राइस का रेशियो है। तो ये कहाँ मिलेगा आपको? बजट लाइन में। और ये कहाँ से मिलेगा आपको? इंडिफरेंस कर्व से। तो फिलहाल मैं आपको डिटेल में एक पूरा क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक, मान लीजिए कि आप एक इंडिफरेंस कर्व है जिसमें एक्स और वाई नाम के दो प्रोडक्ट है। क्या नाम है? एक्स और वाई नाम के दो प्रोडक्ट है। अब इसमें मान लो कि आप एक ये कंज्यूम कर रहे हो और 15 ये कंज्यूम कर रहे हो, तो आपको जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है मान लो कि क्या मिल रहा है वो मैं मान लेता हूँ एस मिल रहा है, या एस मिल रहा है, कितना मिल रहा है? एस एस। ठीक, कुछ और रख दो, चलो कुछ और रख देता हूँ, क्या रखूँ? एक्स यहाँ पर लिख रखा ना, इसलिए मैं एक्स नहीं लिख रहा, चलो पी लिख देता हूँ। हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसको हमने कुछ भी नाम नहीं दिया, टी, चलो टी लिख देता हूँ, किन क्या दे रहा हूँ टी। फिर मैं जैसे इसका कंजम्पशन बढ़ाऊंगा तो इसका कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो मान लो कि ये जो है 10 हो गए, कितने हो गए? 10 हो गए। इसका कंजम्पशन मैं और बढ़ाऊंगा तो इसका कंजम्पशन और कम करना पड़ेगा, है ना? आप कितना कम कर लो, मैं सीधे 8 कर लो, क्या करना चाहिए मुझे? मैंने देखो पहले कितना कम हुआ है, 5, अब कितना कम करना चाहिए? 4 कम करना चाहिए, तो कितना हो जाना चाहिए? अब मैं और बढ़ाना चाह रहा हूँ इधर, तो ये क्या होना चाहिए? मैं और बढ़ाना चाह रहा हूँ इसको, तो ये कितना हो जाना चाहिए? 2 बजा से कितना? सिर्फ 3 किया, यह कितना रखें? 2 होगा, तो 1 होगा, हो गए। यानी कि इतने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ये पहले आपने 5 कम किया, फिर 4 कम किया, फिर 3 कम किया, फिर 2 कम किया, यही क्या है? अरे यही क्या है? यही क्या है? नहीं, यही है आपका MRS। क्या है? MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस एक को पाने के लिए आप 5 को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है, फिर इस एक को पाने के लिए 4 को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है, फिर एक को पाने के लिए 3 सेक्रीफाइस करने को रेडी है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो क्या हो रही है? पहले तो क्या है कि आप 5 खोने को राजी हो गए, 5 वाई खोने को राजी हो गए एक एक्स के लिए, फिर आप 4 वाई खोने को राजी हो गए एक एक एक्स के लिए, फिर आप 3 राजी हो गए एक एक्स को पाने के लिए, फिर 2 वाई खोने को राजी हो गए आप 1x को पाने के लिए, क्योंकि आपके पास ये पहले कम थे और ये बहुत ज़्यादा थे, तो पहले ज़्यादा सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हैं आप। फिर क्या हुआ कि ये भी बढ़ गया और ये थोड़ा कम भी हो गया और ये बढ़ भी गया, तो अब इसको सेक्रीफाइस करने की इच्छा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, राइट है? इस बेसिस पे जो रेट है ना, ये रेट क्या हो रहा है? ये रेट 5, 4, 3, 2, मतलब ये रेट क्या हो जा रहा है? कम पे कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। ठीक, तो MRS क्या होता है? ऑलवेज डिक्रीजिंग होता है। इसी के बेसिस पर यदि हम एक कर्व बनाते हैं तो कर्व बनेगा कुछ इस टाइप का। क्या बनेगा? कुछ इस टाइप का कर्व बनेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? इन डिफरेंस कर्व। क्या बोलेंगे? इन डिफरेंस कर्व। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन है। क्या है ये कॉम्बिनेशन? ये एक्स और वाई को दोनों का भी इंटरसेप्ट करेंगे तो ये कुछ कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, कुछ कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। ठीक, तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेंगे इससे के थ्रू एक कर्व बनेगा, उस कर्व का नाम क्या रहेगा? इन डिफरेंस कर्व। इन डिफरेंस नाम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या है? एक जैसा है। ये वहां तक तो बात क्लियर थी?
अब हम आगे बात करते हैं बजट लाइन की। यहाँ से हमें एक चीज मिल गई, क्या मिल गई? MRS। अब आगे आप बजट लाइन देखें कि बजट लाइन में आपकी बुक में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि मान लीजिए आपके पास कितने हैं, 20 रुपीज़, कितने रुपए हैं? 20 रुपीज़। और आप ये जो चीज़ें हैं ये इसकी प्राइस है, प्राइस आप एक्स मान लीजिए 4 रुपये और प्राइस आप वाई है मान लीजिए आप 2 रुपये, ठीक है? तो कितने कॉम्बिनेशंस आप जो है खरीद सकते हैं, कितने कॉम्बिनेशंस आप बाय कर सकते हैं? तो ए बी सी डी ई एफ कुछ कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब 20 रुपये टोटल आपके पास है तो 20 रुपये ही टोटल आपको हर बार खर्च करना है। तो आप मान लो कि ये एक खरीद रहे हो, तो आप देखो 20 रुपये में से एक खरीद रहे हो तो 4 रुपये खत्म हो गए, बचे कितने? 16 रुपये। 16 रुपये में 2 रुपये की चीज़ कितनी आएगी? 8 आएगी। फिर आप मान लो ये 2 खरीद रहे हो तो 20 में से कितने चले गए? 8 रुपये चले गए, बचे कितने? 12 रुपये। 12 रुपये, 2 रुपये की चीज़ कितनी आएगी? 6 आप आएगी। फिर मान लो कि आप ये 3 खरीद रहे हो तो 20 में से 4 12 रुपये चले गए, बचे कितने? 8 रुपये। 8 रुपये में कितनी चीज़ आ पाएगी? 4 ही आ पाएगी। फिर आप खरीद रहे हो मान लो ये 4 खरीद रहे हो तो 20 में से 16 रुपये चले जाएंगे, 4 × 16 रुपये, बचेंगे कितने? बचेंगे 4 रुपये। 4 में कितने आ पाएंगे? 2 ही आ पाएंगे। फिर आप मान लो खरीद रहे हो 5 चीज़ खरीद रहे हो, कितने खरीद रहे हो? 5। तो 4 × 5 20 रुपये पूरे ही खत्म हो जाएंगे। तो इधर क्या ले पाए, इधर आप कुछ खरीद पाएंगे क्या? कुछ भी नहीं खरीद पाएंगे। इधर 0 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा। ऐसा इधर भी आप कर सकते हैं कि ये 10 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। यहाँ एक और बनाना हो तो इसको ABCD से नाम दे सकते हैं, पर मैं 0 वाले को हटा ही देता हूँ। ठीक, ये कुछ कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ये कुछ कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक, अब इसमें आपको हर जगह एक रेशियो देखने को मिलेगा। एक रेशियो क्या मिलेगा? रेशियो ये मिलेगा कि इसको गेन करने के लिए हमें इसको सेक्रीफाइस करना पड़ा। देखो ये एक गेन करने के लिए कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा? दो। कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है? दो को सेक्रीफाइस। यहाँ एक सेक्रीफाइस गेन करने के लिए दो को सेक्रीफाइस, एक सेक्रीफाइस गेन करने के लिए दो। मतलब ये इसका जो रेशियो है, इसका रेशियो जो है वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। इसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट आएगा, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1 ऐसा ही रेशियो आएगा, ऐसा ही रेशियो आएगा। ये सब हमने बना बना करके देख लिया और हमें क्लियर है, कंफर्म है कि हर बार जब भी आप बजट लाइन बनाएंगे तो रेशियो क्या आएगा? PX/PY। इस जैसे उसमें सेक्रीफाइस और गेन का रेशियो है ना, जिसको अपन MRS नाम दे रहे, इस तरीके से बजट लाइन में यदि हम सेक्रीफाइस और गेन का रेशियो देखें तो वो हमेशा किस रेशियो में रहेगा? उनके प्राइस के रेशियो में, उनके प्राइस के रेशियो में रहेगा। इसको यदि हम बनाते हैं, प्लॉट करते हैं, एक प्लॉट करते हैं इसको, तो ये एक स्ट्रेट लाइन कर्व बनता है, स्ट्रेट लाइन कर्व बनता है, जिसको बजट लाइन बोलते हैं। अब हमें क्या देखना है? अब हमें ये देखना है कि ये कंडीशन कहाँ सेटिस्फाइड हो रही है, ये कंडीशन कहाँ सेटिस्फाइड हो रही है। देखो PX/PY तो तय है कि 2:1 ही है ना। अब ये देख लो कि इधर 2:1 कहाँ पे आ रहा है? खाली लास्ट मारा, ये अलग कॉम्बिनेशन ही आ रहा है, ये अलग कॉम्बिनेशन आ रहा है। मतलब कंज्यूमर विल बी इक्विलिब्रियम एट दिस पॉइंट, जब वो 5 तो ये खरीद ले एक्स और एक क्या खरीद ले? वाई। तो वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन में रहेगा, ऐसा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग तय है। तो कहाँ पर सेटिस्फाई होगा कंज्यूमर? यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर MRS इज इक्वल टू PX/PY है, ये दोनों का रेशियो बराबर है। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो इसको यदि आप प्लॉट करोगे, पहले तो बजट लाइन बना लोगे, फिर इसको फिर एग्जैक्टली ये कर्व बनाओगे तो कुछ इस तरीके का कर्व बनेगा, ये कुछ इस तरीके का कर्व बनेगा, है ना। और जहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आएगा वहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट हो जाएंगे, वहाँ पर दोनों आपस में टच हो जाएंगे। इसी पॉइंट को हम बोलेंगे PX/PY इज इक्वल टू MRS।
इज इक्वल टू MRS. यही क्या है आपका, यही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, बाय ऑर्डिनल अप्रोच. कौन सी अप्रोच? ऑर्डिनल अप्रोच. इज दैट क्लियर? आई बात समझ में? तो अब मुद्दे की बात ये सुनने का है कि हर बार इतनी सारा सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, हर बार ये सब करने की जरूरत नहीं है. आपको मान लो उन्होंने क्वेश्चन दिया कि कोई प्रोटोकॉल पी चीजें इसकी प्राइस है मान लो 10 रुपये है और वाई की प्राइस जो है मान लो कि 5 रुपये है, ठीक. और कंज्यूमर कुछ बंडल बाई कर रहा है, वो बंडल उन्होंने 2-3 बंडल दे दिए आपको मान लो, तो बंडल दे दिए, तो बंडल मान लो एक बंडल दे रखा है आपको कि वो मान लो स्ट्रक्चर दे दिए कि 2-10 का एक बंडल है ना, 4-8 का एक बंडल है, 3-5 का एक बंडल है, कुछ बंडल दे दिए, ठीक. और उस बंडल से देख करके या तो आपको आइडिया लग जाएगा कि MRS कितनी है, या कुछ क्वेश्चन में क्या करेंगे वो खुद ही दे के दे देंगे, वो खुद ही क्या दे देंगे कि MRS कितना है, MRS कितना है, तो MRS कितना है, और आपको तो फिर तो आपको बताना रहा ही नहीं. फिर आपको क्या बताना रहा कि MRS जो है मान लो उन्होंने दे रखा है 2:1 है, तो ये यहाँ पर आप क्या करेंगे PX अपॉन PY जो है वो PY जो है वो 2:1 है और MRS भी 2:1 है, और जिस भी बंडल पर MRS ये दे रखा हो उस बंडल को ही आप बता देंगे कि ये क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा. आई मीन टू से मैं क्या कहना चाहता हूँ, लास्ट में एक बार आपस में थोड़ा कंफ्यूज कर दिया मैंने. मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं इससे हम अल्टीमेटली खाली MRS फाइंड आउट कर रहे हैं, और इससे अल्टीमेटली हम PX और PY फाइंड आउट कर रहे हैं. तो इनमें से ये चीज़ें आपको वो खुद सॉल्व करके पहले से ही देकर रखेंगे, हर बार से शेड्यूल टेबल वेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हमें खाली एक छोटा सा फार्मूला याद रखना है और वो फार्मूला ये है ना. तो अब आप सोचेंगे कि सर आप सीधा डायरेक्ट फार्मूला ही बता देते हैं ना, ये चीज़ सर रामायण बताने की जरूरत क्या थी. तो वो इसलिए बताई कि भाई ये जो फार्मूला है ये आया कहाँ से, इसका बेसिस क्या है, फंडामेंटल क्या है, कैसे इसके पीछे की और क्या कहानी है, वो सब कहानी ये है. आपको पूरी कंप्लीट बात समझाना हो तो ये सब है. आपके बुक में जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना, बहुत ज़्यादा छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं, ऐसे भी होंगे नहीं है अभी आपके बुक में दे रखे, कहीं और मिलेंगे आपको, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको जहाँ पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देना रहेगा. आपकी बुक में जो क्वेश्चन दे रखे हैं संदीप भर्ग वाली बुक में, उसमें सब शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, बड़े क्वेश्चन दे ही नहीं रखे हैं. खैर आपको बात क्लियर है? ओके.